नमस्कार, सत्य हिंदी के कार्यक्रम द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, सत्य हिंदी को पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं और हमारे दर्शकों की संख्या में लगातार इजाफा भी हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और हम चाहते हैं कि हमारा आपका ये संबंध लंबे समय तक चले, प्रगाढ़ हो, हमारा जुड़ाव और गहरा हो। इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, नीचे एक लिंक दी है, उसे क्लिक करें। उम्मीद है आप वो लिंक ज़रूर क्लिक करेंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या है। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे देश को संबोधित करेंगे। कल यानी मंगलवार को 14 अप्रैल है और इस दिन देश भर में बहुत सारे त्यौहार होते हैं, लेकिन ऐसे वक्त जब देश के ऊपर कोरोना संकट की काली छाया मंडरा रही हो तो देश खुशियां कैसे मना सकता है, त्यौहार कैसे मनाया जा सकता है। ये ज़रूर है कि कुछ औपचारिकता हैं इस त्यौहार की, वो ज़रूर पूरी होंगी और वो लोग करेंगे, लेकिन बहुत बेमन से। जब संकट इतना भारी हो तो मन कहाँ लग सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि कल लोगों का ध्यान त्यौहार से ज़्यादा प्रधानमंत्री के संबोधन पर लगा रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री के जो पिछले तीनों संबोधन थे उन्होंने बहुत निराश किया था देश को, क्योंकि उन संबोधनों में कोई ठोस बात नहीं थी, मोटी मोटी बातें थीं और उसमें कोई उम्मीद नहीं थी देश के लिए, उसमें कोई ठोस कार्यक्रम नहीं दिए गए थे, जानकारी नहीं दी गई थी। इसलिए अब लोग चाहेंगे कि इस बार थाली ताली बजाने और दिया लालटेन जलाने के अलावा प्रधानमंत्री कुछ नई चीज़ें कहें और जो संकट इतना गहरा गया है उससे कैसे निकलेंगे उसके बारे में उनका मार्गदर्शन करें, उनको बताएं, ताकि उनकी चिंताएं थोड़ा कम हों। फिलहाल इस पूरे प्रधानमंत्री के संबोधन से जुड़े कुल मिलाकर 7 ऐसे सवाल हैं जो देशवासियों को मथ रहे हैं और निश्चित रूप से इनके जवाब प्रधानमंत्री से अपेक्षा की जाती है कि कल के संबोधन में वो देंगे। पहला सवाल तो यही है सबके जहन में कि अब जबकि तय हो गया है कि लॉकडाउन तो बढ़ेगा ही, तो वो कब तक चलेगा? लॉकडाउन अभी 30 अप्रैल तक बढ़ेगा तो फिर आगे क्या होगा? तो ये एक जो अनिश्चितता बनी हुई है लॉकडाउन को लेकर और फिर लॉकडाउन से जुड़े बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं उनको लेकर, जैसे काम धंधों का क्या होगा, क्या सरकार उसके बारे में कुछ सोच रही है, क्या उसने कुछ योजना बनाई है। बहुत से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अब छोटे छोटे चरणों में सरकार छोटे छोटे उद्योग धंधों को शुरू करने की कोशिश करेगी, तो क्या प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ बताएंगे? जो अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क पिछले 4-5 सालों से हो रहा है और अब कोरोना संकट से वो और गहरा गया है, तो क्या प्रधानमंत्री के पास कोई योजना है ऐसे समय में अर्थव्यवस्था के संकट से निपटने के लिए? वो चाहेंगे देशवासी कि उनके साथ वो साझा करें, क्योंकि आर्थिक चिंताएँ उनके अपने जीवन अपने भविष्य से भी जुड़ी हुई हैं। दूसरा सवाल ये है कि अभी तक कोरोना संकट से निपटने के मामले में केंद्र सरकार का रवैया बहुत ढीला ढाला रहा है, बहुत लेट लतीफ रहा है, बहुत देर जाकर सरकार जागी है और फिर लॉकडाउन लगाया है और अभी भी बड़ी एक तरह की अनिश्चितता बनी हुई है कि सरकार आखिरकार क्या करना चाहती है, उसके पास कोई योजना है भी कि नहीं। बिना कोई ठोस योजना, कोई नक्शा, रोड मैप अभी तक सरकार ने पेश नहीं किया है। कहा जा रहा है कि अब सरकार ने एक योजना बना ली है, भीलवाड़ा जो मॉडल है राजस्थान का, जहाँ पर राजस्थान की सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से भीलवाड़ा में कोरोना को कंट्रोल किया है, उसके बेसिस पर एक योजना बना ली गई है। अब ये हालांकि योजना बहुत देर से बनाई गई है और अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि उसको लागू करने में इतनी देर क्यों हो रही है, तो इसके बारे में अब लोग जानना चाहेंगे कि इस योजना या जो भी योजना है उसको ठोस ढंग से कैसे सरकार अमल करने जा रही है। इसके अलावा अभी तक वो डॉक्टरों को मेडिकल किट्स और टेस्टिंग किट्स भी उपलब्ध कराने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर, नर्स इसकी वजह से इन्फेक्टेड हो रहे हैं, संक्रमित हो रहे हैं, कुछ डॉक्टरों की मौत भी हो चुकी है। तो ये खतरा पैदा होने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे मेडिकल कर्मी भी इलाज से पीछे हटने लगे और एक नई समस्या खड़ी हो जाए। फिर अब इसके बाद जो दूसरा सवाल उठ रहा है कि हर राज्य शिकायत कर रहा है कि उसने केंद्र से जो मदद मांगी थी वो मिल ही नहीं रही, यानी
जैसे ममता बनर्जी ने कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने 1,00,000 किट मांगी थी, उन्हें 3,000-4,000 किट्स दी गई हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने खुल्लम खुल्ला कहा कि हमें विश्वास में नहीं लिया जा रहा, हमें प्रॉपर मदद नहीं दी जा रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राजनीतिक आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा केंद्र से राज्यों को जो आर्थिक मदद मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि राज्य सरकारें कोरोना से लड़ेंगी कैसे, कोई उनके पास अपने पास अचानक इतना फंड तो आ नहीं जाएगा। तो राज्य सरकारों की मदद करने के मामले में अब प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा करना चाहिए, इससे लोगों में विश्वास बढ़ेगा। सवाल नंबर 3 है कि जो लाखों मजदूर पलायन कर रहे थे, विस्थापन हो रहा था जिनका शहरों से गांव की तरफ, और जिन्हें कहीं कहीं रोक दिया गया है या जहां थे वो वहां भी उन्हें रोक दिया गया है, वहां उनके साथ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा है। गुजरात में सूरत और अहमदाबाद में जो दृश्य हमको देखने को मिले हैं वो बताते हैं कि वहाँ की सरकार ने ठीक ढंग से उनकी देखरेख नहीं की, उन्हें जिस ढंग से रुकाया गया, जहाँ शेल्टर होम्स बने हैं वहाँ ठीक ढंग से व्यवहार नहीं हो रहा, खाने के लिए नहीं है, शौचालय वगैरह ठीक नहीं है, उन्हें उनके मालिकानों ने पैसे नहीं दिए हैं और अब वो वापस घर जाने के लिए उपद्रव कर रहे हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है। तो ये केवल बात वहाँ की नहीं है, तमिलनाडु से भी ये खबर आई है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इन राज्यों से भी असंतोष की खबरें आ रही हैं। और ये असंतोष अगर बढ़ा तो बहुत विचित्र स्थिति हो जाएगी, बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी, भुखमरी की समस्या खड़ी हो जाएगी। केंद्र सरकार अभी तक इस सबसे आँखें मूंदे हुए चुप है, वो कुछ बोल नहीं रही है। इसके अलावा जो मजदूर अपने घर पहुंच गए हैं लेकिन उनको मदद नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से, सरकार ने डायरेक्ट कैश देने की बात की है जो बैंकों के थ्री के ज़रिए, वो भी उनको नहीं मिल रहा है, या बहुत कम लोग हैं जिनके जनधन खाते हैं और जिनकी वजह से उन्हें मदद मिल पा रही है। तो ये एक और समस्या खड़ी हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि सरकार भुखमरी से उबारने के लिए इन लोगों को कोई बड़े पैकेज की घोषणा करे, बड़ी योजना की घोषणा करे जो कारगर हो। अभी तक डिलीवरी सिस्टम कहीं दिख नहीं रहा है। प्रधानमंत्री ने अपने पिछले संबोधन में 1,70,000 करोड़ की घोषणा की थी, जो कि बताया गया था कि वो दरअसल इफ़ेक्टिवली वो 95,000 करोड़ की का पैकेज था, और उसमें भी अभी तक कहाँ पहुँच रहा है ये कुछ पता नहीं है, लोगों तक मदद पहुँच ही नहीं रही है। सवाल नंबर 4 लोगों के दिमाग में ये है कि 50 करोड़ के आसपास जो मज़दूर इस लॉकडाउन से बेरोज़गार हो जाए गए हैं, जिनके पास रोज़गार नहीं होंगे जब आप लॉकडाउन खोलेंगे कितने भी समय बाद, तब वो कहाँ जाएंगे, उनके रोज़गार का क्या होगा, वो क्या करेंगे उसके बाद, उनके पास खाने पीने अपने घर परिवार को चलाने के साधन कहाँ से आएंगे। तो सरकार इस मोर्चे पर क्या कर रही है, प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में ये बताना होगा। बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का सुझाव है सरकार को कि वो कल्याणकारी योजनाओं को शुरू करें, उसमें खूब धन डाले, जैसे मनरेगा की योजना है वो बड़े स्तर पर रोज़गार उपलब्ध कराती है लोगों को, तो मनरेगा में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन उसकी तरफ से हो जिसकी वजह से लोगों को कामकाज मिले। अगर ये इस तरह की घोषणा होती है तो लोग थोड़ा सा आश्वस्त हो जाएंगे कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो वो कुछ इस तरह के कामों में, इसी तरह से जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको सपोर्ट करने के बारे में भी सरकार को योजना के साथ आना चाहिए, प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में इस बारे में बात करना चाहिए। फिर सवाल नंबर 5 एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, संवेदनशील मसला है, वो ये है कि पिछले कुछ समय में 15-20 दिनों में देश में कोरोना वायरस को लेकर भी एक नस्लवादी राजनीति शुरू हुई है, एक सांप्रदायिक राजनीति शुरू हुई है, एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश कुछ लोगों ने की है, ये उनके दल के भी लोग हैं और मीडिया ने भी आग में घी का काम किया है। तो उन्हें ऐसे मौके पर स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और सख्त चेतावनियाँ देना चाहिए, अपने अफसरों को निर्देश देना चाहिए कि वो इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त ना करें, तुरंत कदम उठाएं। और ख़ासतौर से जो फेक न्यूज़ का बाज़ार है, जो फेक वीडियोस आए हैं, उन पर तो ट्रेस करके पकड़ के लोगों को और दंडित किया जाना चाहिए। इससे थोड़ा सा देश में स्थिति तनाव कम होगा,
अल्पसंख्यक भी थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे और जो इस तरह की हरकतों में लगे हैं उनको भी थोड़ा अकल आएगी। छठा मुद्दा है देश की संप्रभुता का और हमारी राजनय का, कि जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे ऊपर दबाव डाला और सरकार ने झुककर वो मांग मान ली क्लोरोक्विन सप्लाई करने की, उससे बड़ा गलत संदेश किया है। इसी के साथ साथ ये भी खबर आई है कि अमेरिका ने जो भारत के लिए मेडिकल किट्स आ रहे थे उनको हड़प लिया, कब्ज़ा कर लिया बीच में, और फिर सरकार इस मामले में चुप रही। तो ये दोनों जो घटनाएं हुई हैं ये बहुत अच्छा संदेश नहीं देती, ये भारत के देश के राष्ट्रीय गौरव को के ख़िलाफ़ है। सरकार का चुप रहना और भी चिंता का विषय है। तो दोस्ती अपनी जगह है लेकिन हम भी संकट से गुजर रहे हैं, इसमें हमें समझौता नहीं करना चाहिए, ये प्रधानमंत्री को अपने संबोधन में कहना चाहिए। और अंतिम जो सबसे सवाल है कि ये एक बड़ा राष्ट्रीय संकट है, इसमें हर तबके की भागीदारी होनी चाहिए, इससे निपटने के लिए हर राजनीतिक दल को शामिल किया जाना चाहिए, जहाँ जहाँ से सहयोग मिल सकता है लिया जाना चाहिए। अभी तक ऐसा लगता है कि सरकार एकला चलो के मूड में चल रही है, सिर्फ प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कार्यालय है और कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं। ये एक ऐसा लगता है कि एक कोटरी बन गई है, वही इस पूरे संकट से निपटने की कोशिश कर रही है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। बड़ा संकट है तो बड़ी टीम चाहिए और बड़े लोगों के अनुभव से जोड़े जाने चाहिए। जिन राज्य की सरकारों ने अच्छा काम किया है, केरल की, राजस्थान की, पंजाब की, ओडिशा की, इन राज्य सरकारों, दिल्ली की, इन सबको के मुख्यमंत्रियों को टीम में शामिल किया जाना चाहिए। जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस है, दूसरे बड़े विपक्षी दल हैं, उनको शामिल किया जाना चाहिए। जो मनमोहन सिंह और प्रणब मुखर्जी जैसे जो अनुभवी नेता हैं उनको भी इस पूरे प्रोसेस में शामिल किया जाना चाहिए। इससे ऐसा लगता है कि इस बीमारी से निपटने के लिए, इस महामारी से निपटने के लिए पूरा देश एकजुट है और एकजुट होकर उसका मुकाबला कर रहा है, तो ये परस्पर विरोधी आवाज़ें सुनाई भी नहीं पड़ेंगी और ज़्यादा अच्छे ढंग से, कारगर ढंग से काम किया जा सकेगा। तो ये बड़प्पन, ये उदारता प्रधानमंत्री से अपेक्षित है, वो अपने संबोधन में दिखाएंगे। ये 7 ऐसे सवाल हैं जो बहुत कहना चाहिए यक्ष प्रश्न हैं, ये हर आदमी के दिमाग को मथ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी सवाल हैं और प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि अपने संबोधन में वो अब कोई टोना टोटका वाला काम नहीं करेंगे, इस तरह के ठोस बातचीत करेंगे जिससे पूरे देश को एक आश्वस्ति मिले और एक सही दिशा में हम आगे बढ़ सकें। उम्मीद है मित्रों आप इन 7 सुझावों से सहमत होंगे और हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री अपने संबोधन में इनको शामिल करते हैं, नहीं करते हैं, करेंगे तो अच्छा है। बहरहाल आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मुझे अनुमति दीजिए, कल आपसे फिर इसी शो में आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।